बुधवार की सुबह मुहर्रम की 10वीं पर शहर में शिया समुदाय का आलम का जुलूस मोहल्ला अथाई में कर्रार हुसैन के इमामबाड़े से उठा। इससे पहले मजलिस को मौलाना के खिताब फरमाया कि किस तरह से रसूल अकरम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन को यजीद की फौज ने कर्बला में घेर कर आतंकवाद की पहली घटना को अंजाम दिया था। यजीदी फौज के आगे इमाम हुसैन ने अपना सर नहीं झुकाया बल्कि अपने सर के साथ साथ अपने 71 जानशीनों को भी कुर्बान कर दिया। आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर तबका इमाम हुसैन को याद करता है और सच्चाई का सबक लेता है। जुलूस अपने पुराने मुकामी रास्तों से निकला और दोपहर 12 बजे मोहल्ला बल्लभ नगर में मिठू लाल आतिशबाज के मैदान पर पहुंचा, जहां से शिया समुदाय के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने छुरी, जंजीर, कमाओ ब्लेड का मातम शुरू किया। मातम से पूरी बजरिया रोड खून से सराबोर हो गई और चारों तरफ या हुसैन का अब्बास की सदाएं बुलंद होने लगी। मातमी जुलूस अपने मुकामी रास्ते से होता हुआ मोहल्ला मोहनपुरा में बारगाहे बाबुल मुराद व हाजी डॉक्टर जरगाम अली की आवाज पर पहुंचा। यहां भी जोरदार मातम हुआ, जिसके बाद मातम करने वालों के जख्मों की सफाई की गई। इस अगुवाई में हाजी आशिक हुसैन, चुन्ना हुसैन सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और आज सबसे ज़्यादा ताजिया निकाले जाते हैं और ये कर्बला में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर ये दफन होते हैं, बताया गया है दोपहर से आने शुरू होंगे और रात्रि तक आएंगे। यहाँ पर जो इंतजामिया कमेटी है और यहाँ के जो लोग हैं उनसे वार्ता की गई है, इनके द्वारा फिलहाल कोई समस्या नहीं बताई गई है। इन कानून व्यवस्था के दृष्टिगत एलआईयू की ड्यूटीज हों, चाहे लोकल थाने का फोर्स यहाँ पे लगा है, चौकी इंचार्ज यहाँ पर है, पिकेट यहाँ पे लगी हुई है और एक सकुशल वातावरण में सुरक्षित यहाँ पर ताजिए दफनों इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और इसी तरह अन्य ताजिए भी जो जनपद में हैं सभी की मार्ग व्यवस्था संबंधित अधिकारियों द्वारा देखी गई है और उनको सतर्क रहने के सभी को आदेश दे दिए गए।